क्या देख रहे हो तुम यार, आपको अभी खाना मिल जाता है, सब्र करो थोड़ा सा। अभी हमने बजीज को देना है, तमाम परिंदों को देना है, उसके बाद आपको भी खाना दे देंगे। इसके बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं हमारी असील रेड मुर्गी के, माशाल्लाह। दोस्तों इसके 12 बच्चे थे, अभी जो है ना इसके पास 5 बच्चे बाकी बच गए हैं, बाकी जो है ना बेचारे मर गए थे बारिशों में। हमारी जो है ना मुर्गी का ये सामने वाला केज गिरा था, तो उसकी वजह से 3 बच्चे मरे थे और पहले भी कुछ मर गए थे। माशाल्लाह जो पैलेट है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है और माशाल्लाह खूबसूरत सा मुर्गा तैयार हो रहा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों भाइयों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बेबीज भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखें। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आके दाना खा लो। ये है दोस्तों पूरी फैमिली इसकी। दोस्तों हमने जो अपने जानवरों के लिए न्यू बंदर बनवाई थी उसका जो है ना आपको दीदार करवा देते हैं एक बार। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बनी है, ये देखें, और काफ़ी बड़ी सारी बंदर बनवाई है हमने। ये देखें इसका, ये बांधने के लिए जो है ना लोहे के कड़े भी लगवा दिए हैं यहाँ पे, ये जानवर बांधने के लिए। ये हैं इधर से 4 इस साइड से हैं, ये जानवर बांधने के लिए जो हमने सरिये वगैरह लगवाए हैं ना। और ये दोस्तों अगर बारिश आ जाए तो इसमें से ये पानी यहाँ से निकल सके। ये भी पाइप भी छोटा सा, पाइप भी छोटा हमने लगवा दिया है। और 4 इस साइड से जो है ना ये कड़े लगवाए हैं जानवरों को बांधने के लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लुक नज़र आ रही होगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने अपने जानवरों को इधर नहीं बांधा, अभी जो है ना ये पुराने वाले बंदर में जो है ना ये खा रहे हैं। इधर दोस्तों बहुत ही माशाल्लाह से बड़ी गुड न्यूज़ आई हुई है, जो हमारी डायमंड आ गए माशाल्लाह से, उनके चिक्स भी निकल आए हैं माशाल्लाह। इधर 2 चिक्स हैं नीचे, ये जो सामने ये जो ब्लू वाली, हाँ ब्लू वाली बास्केट इधर 2 है और एक ऊपर उधर रेड में, इधर में एक अभी निकला है, एक अंडा पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह इधर भी काफ़ी है, ऊपर भी आए हुए हैं और एक जो है ना अजूबा हुआ है हमारे सेटअप पे। ये देखो ओपन में हमारी एक फीमेल ने जो है एग्स दिए हुए हैं, ये देखो ऊपर मटकी के ऊपर जो ढक्कन होता है ना उसने एग्स दे दिए थे। ये वाला बकरा जो मेरे अब्बू अपने दोस्त के घर से लाए थे ना, काफ़ी खूबसूरत हो गया है और इसकी सेहत काफ़ी बेहतर हो गई है। हमने अच्छे से इसका ख्याल रखा है और इसको मेडिसिन वगैरह टाइम पे दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है और इसकी कलर देखें, ये चेंज हो गया है। इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से दाना वगैरह दे रहे हैं और अच्छे तरीके से घास दे रहे हैं, तो माशाल्लाह इसकी सेहत काफ़ी बेहतर है। और इधर माशाल्लाह ये हमारा वाइट बकरा, ये अभी छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा, बकरा बन जाएगा माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसकी माँ भी दोस्तों, इनके जो है ना सींग नहीं है माशाल्लाह, ये अच्छी नस्ल के हैं। और इसकी माँ के भी ये देखें सींग बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी फीमेल जो हमारी रानी है उसके अंडे हैं 9। और हमारे इस असील सेटअप पे हमारी एक मुर्गी कुड़क हो चुकी है और उसे मैं ले आता हूँ और इन एग्स पर बिठाता हूँ, देखते हैं वो क्या करती है। गुड न्यूज़ है, हमारी जो रानी है ना इसके जो एग्स थे हमने अपनी एक मुर्गी को दे दिए हैं और वो कुड़क हो गई थी। और मैंने सोचा कि इसकी नस्ल को क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जो फीमेल है ना हमारी रानी बहुत अच्छी नस्ल की है और ये ना तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गए, 1 दिन भी इसने अंडा नहीं छोड़ा। तो अब इसके जो है ना बेबीज़ आ जाएंगे तो इसकी नस्ल बढ़ जाएगी हमारे पास,
बड़ा ही शौक था हमें कि हम इसकी नस्ल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसकी जो ब्रीडिंग है ना बहुत ही अच्छी है दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा शेरू। इसके दोस्तों मैंने ना ये पूंछ तोड़ दी है, इसके पूंछ जो है ना निकाल दिया। हाँ भाई शेरू क्या हुआ, भूख लग रही है? अभी तुम्हें खाना मिल जाता है। इसकी टेल थी ये खराब हो चुकी थी। चुप करो, एक मिनट बात करने दो दोस्तों से। तो इसका जो पूंछ है ना, इसके जो सारे पर हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, ताकि अब इसका जो न्यू वाला पूंछ आएगा वो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा आए। और ये रही हमारी प्यारी सी चमकीली। जो मेरे प्यार पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारा चमकीली और शेरू इन दोनों को जो है ना हम घर से यहाँ लेके आ रहे थे हमारे असील सेटअप पे, और बाकी आके हमने सब ये लिए हैं। और इधर हमारा ये देखें टाइगर, टाइगर माशाल्लाह बड़ा सारा मुर्गा बन चुका है। और ये ब्लैक वाले टाइगर की दोस्त है, ये हमारी आ चुकी है। नीचे हमने एग रखे हुए हैं, अभी जो है ना दोस्तों इसको बिठाते हैं। हाँ जी आ जाओ, तुम्हें जो है ना एग्स पर बिठा देता हूँ, आ जाओ। हाँ ये पड़े हुए एग, बैठना है इन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाओ। तो दोस्तों ये जो है ना कूड़ा कोई पड़ी थी, इसको जो है ना अपनी रानी के एग्स पर बिठा दिया है। तो माशाल्लाह दोस्तों ये बैठ चुकी है, और इंशाल्लाह हमारी जो रानी है ना उसकी नस्ल बढ़ेगी। अब हमारी ये रेड मुर्गी बैठ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मज़ेदार वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे अंडे अच्छे से कवर कर लो साहब। चलो बैठ गई माशाल्लाह। तो दोस्तों काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो रेड मुर्गी है ना वो अंडों पर बैठ चुकी है। हमारी गैनाफॉल के बेबीज निकल आएंगे हमारी मुर्गी के नीचे।